इतने तगड़े तगड़े स्टाइल देखे ना हमने, पता है एक बंदा आता है जो बैठ के कर रहा है, लहर आई ना लहर में यू सीधा ऐसे पसेर के बैठ गया लहर पूरा साफ कर गई ऐसे पर वहां पे उसमें आगे जाते टाइम बीच रोड पे बढ़िया माहौल है, हाथ भी नहीं लगा उसने बढ़िया हमने वहाँ चाव चाव में ले लिया, ऑटोमेटिक मामला है, सी फूड खाना है समुद्र में, ऑटोमेटिक मामला एकदम ना ललित मछली खाता ना विकार भी खाते, मैंने जो मेरे साथ में गए थे ना मम्मी दो जने वो मतलब मछली वछली कुछ नहीं खाते, वो पता क्यों नहीं खाते, वो भी जागरूक क्योंकि मम्मी वहाँ की मछली ना टट्टी पिसा भी खाती रहती है जागरूक कैसे हो, वही सामने से पकड़ रहा है बंदा और यहाँ फ्राई हो रहा है मामा 50 रुपए पीस लेते रहो हमें समुद्री पानी में नमकीन तो होता ही है गया भी होगा मुंह में क्यों मामी बढ़िया लगा कुछ समुद्र में आएंगे तो घूमने जाएगा ना हम नहीं ना है मामा ने बना कर दी पहले पहले इधर सारा बहुत गंदा है एक बात है उस चीज को बनाता नहीं है कोई मामा ने पहले बना के दी थी कोई नहीं बीच में जा रही है तो चिपक के वापस ले आती है लेकिन गोवा में सब ना के आते थे जो ना गोवा नहीं गोवा में टट्टी ना करें मम्मी हम तो आगे गए थे घूमने तो मामा ना सीधे सीधे पहले ही बोल देता कि भाई यहाँ कोई से बीच पे भी नहीं नहाना तुम्हें, गोवा वाले बीच नहीं है ये, एकदम गहरा पोर्ट है, सिर्फ पे आते हैं जाते हैं गहरा ये पता नहीं, देखो ऐसा ना वहाँ सुबह डोलू लेके पहुंच जाते हैं आगे आगे दो दिन का टाइम था मम्मी हम पे हम मछलियों को आटा देने गए थे, मैं तो रह ही वहीं थी ना ऊपर, अच्छा वहाँ ऊपर उस टाइम ऊपर मम्मी बोली विशाखापट्टनम से घूम लिया पर एक दिन में ही, मामी ने पूरी लिस्ट बना के दे दी, मामा कह रहे हैं कल मैं अपना फ्री हो आऊंगा तुम्हें बेर घुमाऊंगा, आज तो टाइम है नहीं,